नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी के रहस्य। और राजधानी के रहस्य के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से सीबीआई में एक गैंग वॉर जारी है। और अब आपके सामने सीबीआई के अंदर जो गैंग वॉर जारी है वो एक तरह से एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरह सामने उभर कर आ गया है। और अब कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया है। और आज हम आपके सामने राजधानी के रहस्य में लेकर आने वाले हैं कुछ और पड़ताल। रोहिणी, हमारे दर्शकों के लिए आज राजधानी के रहस्य में क्या होगा? देखिए अभिसार, जैसा आपने अभी बताया है, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द सीबीआई। तो हमारे पास नया क्या है? आज वायर ने रिपोर्ट भी करा है कि ये एक्शन क्यों लिया गया था अगेंस्ट आलोक वर्मा, उनकी पूरी टीम को भी हटा दिया गया है सीबीआई से। नंबर वन, बिकॉज सीबीआई के पास काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग रिकॉर्डिंग्स है और प्रूफ्स है विच कुड स्पेल ट्रबल, मुश्किल खड़ी कर सकती है इस सरकार के बहुत ही टॉप ब्यूरोक्रेट्स। नंबर वन, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, यानी कि कुछ ऐसी बातचीत जिसकी गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सुनाई दे रही है। मुद्दा नंबर दो, the unprecedented politics within RAW, which is the KGB of our country, right? So the kind of politics that you're seeing playing out in the CBI is also playing out in RAW, and that also is a very worrying thing for this government. Aur yahi nahi Rohini, iska seedha asar tamam jo bade ongoing investigations hain alag alag ghotalon mein us par bhi padega. Of course, usme bhi padega. Aur humne काफ़ी लॉयर से बात करी है हु आर रिप्रेजेंटिंग अक्यूज्ड इन कोर्ट्स, एंड वी विल आल्सो लेट यू नो उन्होंने हमें क्या बताया था, बट उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अब तक हुआ क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, इस बात को लेकर सुगुगाहट थी मंगलवार को कि राकेश अस्थाना को हटाया जा रहा है, मगर फिर देर रात सीबीआई में तख्ता पलट हो गया। उस तख्ता पलट के तहत आलोक वर्मा को भी छुट्टी पर भेज दिया गया, वो आलोक वर्मा जो जनवरी तक बने हुए थे सीबीआई के डायरेक्टर, और उनकी जगह नागेश्वर राव जो कि जॉइंट डायरेक्टर थे उन्हें सीबीआई निदेशक बनाया गया है। और जैसे ही नागेश्वर राव सीबीआई डायरेक्टर बनते हैं वो क्या करते हैं, वो कई अधिकारियों को छुट्टी पर भेज देते हैं या उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं, जिनमें एक अधिकारी जो कि राकेश अस्थाना मामले की जांच कर रहे थे उन्हें एंडमंस यानी कि काला पानी भेज दिया जाता है। यानी कि रोहिणी, जो काम अंग्रेज किया करते थे वो कहीं ना कहीं सरकार ने किया है एक व्यक्ति को काला पानी भेजकर। नहीं बिल्कुल, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो जैसा डिस्कस करा था, सीबीआई के पास है क्या जिससे सरकार बहुत ही चिंतित है? सीबीआई काफ़ी सेंसिटिव मामलों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी फ़ोन टैपिंग्स हुई हैं, रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, इंटरसेप्शंस हुए हैं, और उस इंटरसेप्शंस में कुछ ऐसे लोग फंस रहे हैं जिनका नाम अगर बाहर आ जाए या ये पता चले कि कौन से कॉर्पोरेट के कहने से वो किस इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो ये सरकार के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। अभी हमने जैसे रॉ का जिक्र करा था, उसमें रॉ के बहुत ही सीनियर अधिकारी समंत गोयल, उनका कॉन्वर्सेशन भी है, वो किसी एक अक्यूज से बात करते हुए कि आप सीबीआई के सामने अपेयर नहीं हो, जो सीबीआई के लोगों ने हमें बताया था कि इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। फिर अस्थाना, राकेश अस्थाना जी और उपेंद्र राय, एक डिसग्रेस जर्नलिस्ट हैं जिनको सीबीआई ईडी ने अरेस्ट कर रखा था, उनके साथ मोर देन 10 कॉन्वर्सेशंस हैं, उसकी भी पूरी जानकारी सीबीआई के पास है। और ऑफ कोर्स भास्कर खुलबे, जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो खुद इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं कोल स्कैम में, जिनको राकेश अस्थाना जी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब डिटेल्स सीबीआई के पास है, बट आई डोंट नो व्हेदर दे विल हैव इट नाउ फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि अब तो पूरी यू नो सीबीआई ही बदल गई है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बराबर जो है मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, और उस प्रोपेगेंडा के तहत ये कहा जा रहा है कि ये क्लीन अप है, यानी कि सीबीआई के अंदर जो गंदगी है ये क्लीन अप है। लेट्स मेक वन थिंग क्लियर, दिस इज नॉट क्लीन अप, दिस इज कवर अप। ये पूरी तरह से कवर अप है जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साख को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपने इस बात का जिक्र किया कि बातचीत चल रही है, और जाहिर सी बात है रोहिणी, ये ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो बहुत करीबी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इसी तरह की फोन की बातचीत का सीधा एक्सेस आलोक वर्मा के पास था, सीबीआई के पास था।
हाँ सीबीआई के पास था क्योंकि सीबीआई कुछ केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जैसा आप जानते हैं जब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो सस्पेक्ट्स के फोन टैप होते हैं, लेकिन सीबीआई को ये नहीं पता था कि इसमें खुद कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ही फंस जाएंगे। तो जब वो पता चला, अब वो रिकॉर्डिंग्स है और सीबीआई मुझे नहीं पता उसको अब कोर्ट में प्रेजेंट करेंगी कि नहीं करेंगी। वो दूसरी बात ये है, जब हम रॉ की बात कर रहे थे अभी सर, एंड रॉ इज द एज आई सेड इट्स लाइक द केजीबी ऑफ आवर कंट्री, इट्स यू नो इट लुक्स नेशनल सिक्योरिटी राइट। और ड्रॉ में भी जो अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिक्स हो रहा है बिटवीन के लांगो एंड समंत गोयल, समंत गोयल जी का लोगों का मानना है, गवर्नमेंट में ये बात काफी लोग बात कर रहे हैं कि समंत गोयल जी ये नहीं चाहते हैं कि के लांगो डायरेक्टर रॉ बने, और इसीलिए उनके अगेंस्ट उन्होंने स्टोरीज भी प्लांट करवाई थी, दो तीन स्टोरीज अभी रिसेंटली पेपर में भी आई थी। और ये भी बोला जा रहा था कि अस्थाना जी, क्योंकि समंत गोयल जी अस्थाना जी के बैचमेट है, अस्थाना जी ने उनको ये आश्वासन दिया था कि थ्रू भास्कर खुलबे जिनको अस्थाना जी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो समंत गोयल को डायरेक्टर रॉ अपॉइंट करवा देंगे। यानी कि रोहिणी, जिस तरह का गैंग वॉर हमने सीबीआई में देखा था, रॉ में भी देखिए, हम स्पष्ट कर दें आपको, रॉ जो है ना वो देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाता है, मगर यहां पर आप देख रहे हैं रॉ का चार्टर पूरी की तरह तबाह किया जा रहा है। रॉ इंटरनल पॉलिटिक्स यानी कि जो डोमेस्टिक मामले हैं उसमें दखल देता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से किसी तरह की फोन टैपिंग भी हुई है जिसमें पंजाब कैडर के जो ऑफिसर है सामंत गोयल, जिनका आपने जिक्र किया है, उनका नाम भी आ रहा है रोहिणी। हाँ, समन गोयल जी का नाम आ रहा है क्योंकि वो किसी से बात कर रहे थे जो सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट पर्सन, और उस सस्पेक्ट को वो बोल रहे थे डोंट अपेयर बिफोर द सीबीआई। तो जैसे मैंने बोला था कि सीबीआई के लोगों का मानना था दैट अमाउंट्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये बात सरकार में काफ़ी लोगों को पता है, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि पता होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने एफआईआर में सामंत गोयल का नाम लिया है, तो ये पहली बार हो रहा है कि रॉ जो है वो इस तरह के आंतरिक मामले में शामिल हो गया है, टकराव जो है वो सामने उभर कर आ रहा है। और जब रॉ इस तरह से एक आंतरिक विवाद में शामिल हो जाता है तो रोहिणी कहीं ना कहीं इसका असर नेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ता है, हम इसे कैसे खारिज कर सकते हैं? नहीं, हम इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। अगर इफ रॉ इज और रोग एलिमेंट्स विद इन रॉ, मैं ये नहीं मानूंगी कि पूरी एजेंसी ये कर रही है, लेकिन एक दो लोग अपने खुद पर्सनल बेनिफिट के लिए जो एलिगेशन है कि उन्होंने ये सब करा है, ऑब्वियसली इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, और ये बहुत ही सीरियस बात है। और रोहिणी, अगर ये रोग एलिमेंट्स हैं यानी कि ये अपने दम पर ये सब कर रहे हैं, तो सवाल ये कि मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? इट इज अ वेरी वेरी वरिंग थिंग, बिकॉज लेट अस बी वेरी क्लियर कि ये जो हम जो पूरा तमाशा जो हो रहा है, जो हमारे सामने आया है, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस में होगा। कोल स्कैम जो इन्वेस्टिगेट कर रही, जिसमें भास्कर खुलबे जी का नाम आया था, उनको अक्यूज्ड बनाया, लेकिन अस्थाना जी ने बोला था नहीं, विटनेस बनाना चाहिए, हमने लास्ट टाइम भी रिपोर्ट करा था, obviously that will be impacted. काफी corporates जो bank scam में investigate करे जा रहे हैं उन पे भी impact पड़ेगा। But the more interesting thing is अभी सर मैं नीरव मोदी मोहिल चौकसी के कुछ lawyer से बात कर रही थी, और वो बोल रहे थे कि international courts में जो सीबीआई में जो हो रहा है, जिस तरीके से एविडेंस फैब्रिकेट हुए हैं या एलिगेशन है कि एविडेंस फैब्रिकेट हुआ था टू फिक्स द डायरेक्टर, तो ये वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में रेस करेंगे, बेसिकली सेइंग दैट दे हैव नो फेथ इन द फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत बहुत बड़ी बात यहां पर रोहिणी हमें बता रही है, वो बता रही है कि मेहुल चौकसी की वकील, माल्या के वकील, ये तमाम लोग जो है अब इंटरनेशनल कोर्ट्स में कहेंगे कि देखिए ये है सीबीआई की विश्वसनीयता, दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी of India. So you can imagine what impact this will have on all these ongoing cases. So clearly, this entire controversy is going to affect all these cases directly, Rohini. In the case of Malia, the Indian government is pushing for his extradition. Do you really think an international court looking at whatever is happening, they will take an objective view of it and they'd say, we don't trust your investigating agencies? And that is also the point that Malia has been making consistently, that he's being framed, that, the charges against him are all wrong. And, when things like this happen, obviously it gives them fodder. बिल्कुल, और राजधानी के रहस्य में हम बार बार इन चीजों की तरफ आपका ध्यान खींच रहे हैं। अब हम इसके इम्प्लीकेशंस पर आते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा था न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर ऐसा लग रहा है रोहिणी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री की छवि को बचाया जाए। अभी सर अगर हम ये देखें, मोदी जी इन हिज इंटायर टेन्योर एज द गुजरात चीफ मिनिस्टर या इन हिज 4.5 years एज द प्राइम मिनिस्टर,
उन्होंने करप्शन पे कब कब एक्शन लिया है. इनफैक्ट उन्होंने एक्शन विसल ब्लोअर्स पे लिया है, चाहे वो संजीव चतुर्वेदी बहुत अहम आप बता रही हैं. ऑफ कोर्स संजीव चतुर्वेदी हो, जो एम्स वाले मुद्दे में जब उन्होंने काफी कुछ चीजें बोली थी ऑफ द देन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के साथ उनका टकराव था, तो संजीव चतुर्वेदी के अगेंस्ट एक्शन हुआ था. अशोक खेम का, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा, वो भी क्लेम कर रहे हैं दैट ही इज कॉन्स्टेंटली बींग ट्रांसफर्ड बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग अप इशूज ऑफ करप्शन. फिर ILFS जो अभी कॉन्ट्रोवर्सी में थी, उसमें जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे जिन्होंने गुजरात में मोदी जी को बोला था कि ILFS में गिफ्ट सिटी में जो यू नो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उनको ILFS के बोर्ड से हटा दिया गया था, और नॉट ILFS, गिफ्ट सिटी के बोर्ड से हटा दिया गया था. तो ये सब अगर आप देखिए, और अब इस बार हुआ जब आलोक वर्मा ने अस्थाना जी के बारे में बोला दैट देयर इज अ करप्शन इशू, और भास्कर कुलबे जी का भी यू नो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है कोल स्कैम में. सो लुक एट द एक्शन दैट हैज बीन टेकन. व्हाई इज दिस एक्शन बीन टेकन, दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड, बिकॉज मोदी जी इमेज इज गेटिंग इंपैक्टेड. मुझे लगता है मोदी जी को करप्शन से प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी को प्रॉब्लम अपनी इमेज को लेके है. जहां उनकी इमेज खराब होती है वहां मोदी जी एक्शन लेते हैं, करप्शन पे नहीं लेते हैं. लेकिन यानी कि कथनी और करनी का बीच का फर्क जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है. हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर का ट्रांसफर हुआ है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है. हम आपको बता दें कि आप सीबीआई डायरेक्टर का ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष यानी लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का की रजामंदी ना हो. ये कहा जा रहा है कि सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह ट्रांसफर किया गया है, मगर हम आपको यह भी बता दें कि वो सीवीसी की रिपोर्ट क्या है यह हम नहीं जानते हैं. इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि कोर्ट के आदेश पर यूपीए सरकार को सीबीआई डायरेक्टर का फिक्स टर्म फिक्स करना पड़ा था, और इसका रीजन यह था कि देर इज नो पोलिटिकल इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर. बट देन द लॉजिक नाउ स्टैंड ऑन इट्स हेड. रोहिणी, ऑफ कोर्स द लॉजिक स्टैंड ऑन इट्स हेड अभिसार, एंड यू नो आई फाइंड what is happening in the CBI very disturbing, because let us be very clear, this is not some fight between an Arun Jaitley and a Piyush Goyal that has been speculated in Latians for long. This is, as you said rightly in the beginning of the show, this is an attack on the premier investigation agency of the country, and let us see what the courts decide, what the courts say, and what the next few days hold. Bilkul, aur ek aur cheez, another thing that's unprecedented is that the CBI director, or may I put it, the former CBI director, is now challenging this decision in Supreme Court. So, as the matter comes to the Supreme Court, this may be yet another round of embarrassment for the Modi government. मगर जैसे कि हमने कहा कि सीबीआई में गैंग वॉर के बाद अब ये मामला जो है वॉर ऑन द सीबीआई हो गया है. तो राजधानी के रहस्य में बस इतना ही. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. एंड बाय बाय फ्रॉम रोहिणी सिंह. विल बी बैक अगेन सून विद अनदर वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लैटिन सीक्रेट्स. टू रिसीव इंस्टेंट अपडेट्स ऑन ऑल वीडियोस फ्रॉम द वायर, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन. पे टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन and choose the amount you want to pay.